गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम इंग्लिश ग्रामर में मॉडल टेस्ट पेपर 2 सॉल्व करेंगे, जिसमें हम चैप्टर 4, 5 एंड 6 का रिवीजन करेंगे। तो बच्चों आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम इंग्लिश ग्रामर में मॉडल टेस्ट पेपर 2 सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें हम चैप्टर 5, चैप्टर 4, चैप्टर 5 एंड चैप्टर 6 का रिवीजन करने वाले हैं। तो देखते हैं मॉडल टेस्ट पेपर 2 में जो हमारी पहली एक्सरसाइज है वो क्या है। ठीक है, तो देखिए जो पहली एक्सरसाइज है वो क्या है। क्लासिफाई द फॉलोइंग जेंडर्स नाउन इनटू डिफरेंट टाइप्स एंड पुट देम इन देयर प्रॉपर प्लेसेस। आपको क्या करना है, यहां पर मैंने आपको अलग अलग प्रकार के जेंडर नाउन दिए हुए हैं, उनको आपको उनकी प्रॉपर प्लेस पर लिखना है। देखिए यहां पर हमने लिखे हैं, आपको मैंने 4 जेंडर सिखाए थे, मस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर। मस्कुलिन जेंडर मतलब मेल, फेमिनिन जेंडर मतलब फीमेल, मस्कुलिन जेंडर जो मेल होते हैं, जो पुरुष होते हैं, जो आदमी होते हैं उनको हम मस्कुलिन जेंडर बोलते हैं। फेमिनिन जेंडर मतलब स्त्री, लड़की, तो वो फेमिनिन जेंडर में जाते हैं। कॉमन जेंडर जो दोनों मतलब आदमी भी हो सकते हैं और औरत भी हो सकते हैं, महिला भी हो सकते हैं और पुरुष भी हो सकते हैं, मतलब मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं। जैसे कि डॉक्टर, डॉक्टर मेल भी होते हैं फीमेल भी होते हैं, तो वो किस में जाएंगे, कॉमन जेंडर में जाएंगे। न्यूट्रल जेंडर में वो चीजें जाती हैं बेटा जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, मतलब जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं वे न्यूट्रल जेंडर में जाती हैं। ओके, तो आपको समझ आया, मस्कुलिन जेंडर मतलब मेल, फेमिनिन जेंडर मतलब फीमेल, कॉमन जेंडर मेल फीमेल दोनों, जो चीजें दोनों होते हैं जैसे कि डॉक्टर, पायलट, ये मेल फीमेल दोनों होते हैं तो ये कॉमन जेंडर में जाएंगे। और न्यूट्रल जेंडर वे चीजें जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उनको हम न्यूट्रल जेंडर में डालेंगे। ओके, तो चलिए आपको समझ आ गया होगा, अब हम देखते हैं। तो यहां पर मैंने आपको कुछ वर्ड्स दिए हैं, तो आपको ये जो वर्ड्स हैं, ये जो नाउन हैं, इनको आपको सही जेंडर में डालना है कि कौन सा वर्ड कौन से जेंडर में आता है। तो देखिए जो आपको पहला वर्ड दिया है वो किस में आता है बच्चों, कप, मस्कुलिन जेंडर में आएगा, फेमिनिन जेंडर में आएगा, कॉमन जेंडर में आएगा या फिर न्यूट्रल जेंडर में आएगा, आप बताइए किस में आएगा। बोलिए कि जो आपका कप है वो नॉन लिविंग थिंग्स होता है ना, तो किस में आएगा, वो न्यूट्रल जेंडर में आएगा। किस में आएगा, न्यूट्रल जेंडर में। अगला देखिए, अगला क्या है, सेकंड नंबर पर है क्वीन, तो क्वीन क्या होती है, मैस्कुलिन जेंडर में जाएगी, फेमिनिन जेंडर में जाएगा, कॉमन जेंडर में या न्यूट्रल जेंडर में। क्वीन आप जानते हो रानी, मतलब वो फीमेल होती है। ठीक है, क्या होती है बच्चों, फीमेल होती है, तो वो कौन से जेंडर में जाएगा बताइए आप मुझे, फीमेल जेंडर, तो मतलब फेमिनिन जेंडर। कौन से जेंडर में जाएगी क्वीन, फेमिनिन जेंडर में जाएगी। मैंने आपको बताया कि जो भी जेंडर मतलब जो भी बॉय मतलब गर्ल, ये जो भी मतलब फीमेल होंगे वो सब किस में जाएंगे, फेमिनिन जेंडर में जाएंगे। ठीक है, तो आपकी क्वीन फीमेल है तो वो कौन से जेंडर में जाएगी, फेमिनिन जेंडर में जाएगी। अगला है बर्ड, बर्ड बच्चों मेल भी होते हैं और फीमेल भी होते हैं, तो ये दोनों हो सकते हैं, इनको पहचान नहीं पाओगे आपकी कौन सा मेल बर्ड है कौन सा फीमेल, तो इसीलिए ये किस में जाएंगे, ये कॉमन जेंडर में जाएगी। ठीक है, बर्ड को आप पहचान नहीं पाओगे कि वो मेल है या फीमेल, तो ये किस में जाएगी, कॉमन जेंडर में जाएगी। चलिए अगला देखते हैं, तो फोर्थ नंबर पर जो आपको जो बर्ड लिखा है वो है फॉक्स, और फॉक्स किस में जाएगा बताइए आप, मस्कुलिन जेंडर में जाएगा, फेमिनिन जेंडर में जाएगा, बताइए किस में जाएगा, बोलिए फॉक्स किस में जाएगा, बोलिए मस्कुलिन जेंडर में। फॉक्स किस में जाएगा बच्चों, मस्कुलिन जेंडर में, क्योंकि फॉक्स मीन्स क्या होता है, लोमड़ा, और लोमड़ा कौन हुआ, मेल हुआ, तो वो किस में जाएगा, मस्कुलिन जेंडर में। अगला देखिए, अगला है कजिन, कजिन का मतलब क्या होता है, चचेरा या फिर चचेरा भाई, चचेरी बहन, तो आपको यहां पर कजिन से पता नहीं चल रहा कि वो मेल है या फीमेल है,
है ना, तो ये किस में जाएगा, कॉमन जेंडर में। अगला देखिए, अगला है वुमन। वुमन से आपको क्या पता चल रहा है, ये कौन से जेंडर में है, फीमेल। ये वुमन कौन होती है, महिला कौन होती है, फीमेल होती है ना औरतें, तो ये फेमिनिन जेंडर में जाएंगी। अगला है पायलट। क्या पायलट से आपको ये पता चल रहा है कि वो मेल है या फीमेल है, बताइए, नहीं पता चल रहा ना, तो पायलट किस में जाएगा, कॉमन जेंडर में जाएगा। अगला है सन। सन से आपको बच्चों क्या पता चल रहा है, बेटा, बेटा कौन होता है, मेल होता है या फीमेल होता है, या न्यूट्रल जेंडर में जाएगा या कॉमन जेंडर में जाएगा, बताइए बताइए, मेल होता है, तो वो किस में जाएगा, मैस्कुलिन जेंडर में। अगला देखते हैं टेबल। टेबल मेल होती है, फीमेल होती है, या फिर नॉन लिविंग थिंग्स होती है, क्या मेज बोलती है, बताइए आप, नहीं बोलती है ना, क्योंकि वो नॉन लिविंग थिंग्स में है ना, तो किस में जाएगा ये, न्यूट्रल जेंडर में। काइट, क्या काइट बोलती है, बताइए, तो काइट किस में जाएगी, न्यूट्रल जेंडर में, क्योंकि ये भी नॉन लिविंग थिंग्स है, तो काइट भी किस में जाएगी बच्चों, न्यूट्रल जेंडर में जाएगी, है ना। अगला देखिए पोएट। पोएट कभी कभी बोलता है, बताइए आप मुझे, कभी बोलता है ना, और कभी मेल होता है या फीमेल होता है, मेल होता है, तो कभी किस में जाएगा, बताइए आप, मैस्कुलिन जेंडर में। फिर अगला है काओ। काओ किस में जाएगी, काओ मेल होती है या फीमेल होती है, फीमेल होती है, तो काओ किस में जाएगी, फेमिनिन जेंडर में। तो कप, टेबल, काइट किस में जाएंगे, न्यूट्रल जेंडर में। क्वीन, वुमन, काओ किस में जाएंगे, फेमिनिन जेंडर में। बर्ड, पायलट और कजिन किस में जाएंगे, कॉमन जेंडर में। फॉक्स, पोएट और सन, ये किस में जाएंगे बच्चों, मैस्कुलिन जेंडर में। तो आपको जो मॉडल टेस्ट पेपर 2 की पहली एक्सरसाइज थी वो समझ आ गई। चलिए तो अब हम अपनी अगली एक्सरसाइज देखते हैं। तो मॉडल टेस्ट पेपर 2 की जो अगली एक्सरसाइज है वो क्या है बच्चों, देखिए। तो बच्चों जो हमारी मॉडल टेस्ट पेपर 2 की जो सेकंड एक्सरसाइज है वो क्या है, करेक्ट द मिस्टेक्स एंड रीराइट द सेंटेंसेस। आपको क्या करना है, आपको जो सेंटेंसेस दिए हैं आपको उनमें जो मिस्टेक है उसको करेक्ट करना है और सेंटेंस को दोबारा रीराइट करना है। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए जो पहला सेंटेंस है वो क्या है, देयर आर मैनी ऑरेंज ऑन दिस ट्री। ठीक है बच्चों, तो देखिए इस सेंटेंस में मैनी मतलब कई सारे ऑरेंजेस हैं, और यहां पर मैंने क्या लिखा है, ऑरेंज, तो ये वर्ड कैसा है, रॉन्ग है। क्या आएगा, देयर आर मैनी ऑरेंजेस ऑन दिस ट्रीज, बताइए इस पेड़ पर, मतलब एक पेड़ की बात हो रही है, तो यहां पर क्या होगा, ट्री, तो क्या हुआ, देयर आर मैनी ऑरेंजेस ऑन दिस ट्री। अगर आपने इस सेंटेंस को करेक्ट कर दिया तो क्या हो गया, बताइए, देयर आर मैनी ऑरेंजेस ऑन दिस ट्री। तो बच्चों ये जो सेंटेंसेस हैं इनमें प्लूरल और सिंगुलर की मिस्टेक्स हैं, जिनको आपको सही करके सेंटेंस को दोबारा से करेक्ट करके रीराइट करना है। ओके, तो आपका जो फर्स्ट सेंटेंस है वो करेक्ट करके रीराइट क्या हुआ, देयर आर मैनी ऑरेंजेस ऑन दिस ट्री। ओके, चलिए सेकंड देखिए, सेकंड वाला क्या है, देखिए आप, दिस इज माय फैमिलीज, बताइए दिस इज माय फैमिलीज होता है या दिस इज माय फैमिली होता है, यह मेरा परिवार है, तो एक परिवार की बात कर रही हूं ना मैं, और मैंने यहां पर क्या लिखा है, फैमिलीज, मतलब बहुत सारे परिवार हो गए, तो आप क्या लिखोगे, दिस इज माय फैमिली, क्या आएगा, दिस इज माय फैमिली, तो इसको भी आपको करेक्ट करके फिर रीराइट करना है, तो क्या हो गया, दिस इज माय फैमिली। चलिए अब हम अपनी थर्ड एक्सरसाइज देखते हैं, तो सॉरी थर्ड नंबर का जो सेंटेंस है वो देखते हैं। तो थर्ड नंबर का सेंटेंस क्या है, देयर आर मैनी नाइफ इन द किचन, मतलब किचन में कई चाकू हैं, और यहां पर मैंने क्या लिखा है, इसको सिंगुलर में लिखा है, मतलब एक चाकू की बात कर रही हूं और लगा रही हूं मैनी, तो क्या आएगा, नाइफ्स, तो क्या आएगा, देयर आर मैनी नाइफ्स इन दिस इन द किचन, देयर आर मैनी नाइफ्स इन द किचन, क्या हो गया बच्चों,
यहाँ पर नाइफ की जगह पर नाइव्स, तो देयर आर मैनी नाइव्स इन द किचन। चलिए अब अगला सेंटेंस देखते हैं। तो जो हमारा फोर्थ नंबर का सेंटेंस है वो क्या है, देयर आर मैनी चाइल्ड इन द पार्क। देयर आर मैनी चाइल्ड इन द पार्क। अब बच्चों देखिए, मैनी चाइल्ड मतलब बहुत सारे बच्चों की बात हो रही है और मैंने लगाया है चाइल्ड, तो चाइल्ड की जगह पर क्या आएगा, चिल्ड्रन। तो क्या हो गया, देयर आर मैनी चिल्ड्रन इन द पार्क। क्या हो गया, देयर आर मैनी चिल्ड्रन इन द पार्क, मतलब पार्क में कई बच्चे हैं। तो क्या हुआ, देयर आर मैनी चिल्ड्रन इन द पार्क, मतलब पार्क में कई बच्चे हैं। देयर आर मैनी चिल्ड्रन इन द पार्क। चलिए अगला देखते हैं। तो फिफ्थ नंबर का जो सेंटेंस है वो कौन सा है, आई एम अ स्टूडेंट। तो क्या होगा बच्चों, जब हम एक छात्र की बात कर रहे हैं और यहाँ पर मैंने एस लगाया है तो ये रॉन्ग हो गया ना, तो क्या होगा, आई एम अ स्टूडेंट नॉट इन स्टूडेंट्स। तो आप इसको जब रीराइट करोगे तो क्या लिखोगे, आई एम अ स्टूडेंट। ओके, चलिए तो अब हम अपनी अगली एक्सरसाइज देखते हैं। तो बच्चों जो हमारी थर्ड नंबर की एक्सरसाइज है वो क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुइटेबल प्रोनाउन। आपको क्या करना है, आपको यहाँ जो ब्लैंक्स दिए हैं उनमें आपको सुइटेबल प्रोनाउन फिल करनी है, जो प्रोनाउन वहां फिल हो सकती है उसको आपको फिल करना है। तो देखिए पहला जो सेंटेंस है वो क्या है, ब्लैंक हैज टेकन माय पेन। वैसे बच्चों आप यहाँ और भी प्रोनाउन्स फिल कर सकते थे, बट मैंने यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाया है, तो इसका मतलब आपको एक ऐसी प्रोनाउन फिल करनी है जो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हो। तो यहाँ पर आप क्या फिल कर सकते हो, हु हैज टेकन माय पेन, मतलब मेरा पेन किसने लिया है या किस कौन के पास मेरा पेन है, हु हैज टेकन माय पेन, ठीक है, मतलब मेरा पेन किसने लिया है। तो यहाँ पर आप क्या फिल करोगे, हु। तो यहाँ पर आप इंटेरोगेटिव प्रोनाउन फिल करोगे जो कि है हु हैज टेकन माय पेन। चलिए अगला सेंटेंस देखिए। तो टू नंबर का जो सेंटेंस है वो क्या है, These articles are blank, मतलब ये articles मेरे हैं, तो क्या आएगा यहाँ पर, mine. These articles are mine. तो यहाँ पर आप कौन सी pronoun fill करोगे, personal pronoun, कौन सी, mine. तो these articles are mine, मतलब ये articles मेरे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आप कौन सी pronoun fill करने वाले हो, mine. चलिए अगला देखते हैं। तो third number का जो sentence है वो क्या है, This is my book and blank is yours. मतलब यह मेरी किताब है और वह तुम्हारी, तो यहाँ पर क्या आएगा, that. तो this is my book and that is yours. मतलब यह मेरी किताब है और वह तुम्हारी। तो क्या फिल हुआ बच्चों, कौन सी प्रोनाउन फिल हुई, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, कौन सी, that. This is my book and that is yours. चलिए अगला देखिए। तो अगला क्या है, ब्लैंक इज द डार्क क्लाउड, मतलब वह काला बादल है, तो यहां पर आप क्या फिल करोगे, दैट, और दैट कौन सी प्रोनाउन है, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, मतलब दैट इज अ डार्क क्लाउड, मतलब वह काला बादल है, दैट इज अ डार्क क्लाउड। चलिए अगला देखिए। तो फिफ्थ नंबर का जो आपका सेंटेंस है उसमें आप क्या फिल करोगे, ब्लैंक इज योर नेम, मतलब क्या हुआ, तुम्हारा नाम क्या है, तो यहाँ पर आप कौन सी इंटेरोगेटिव प्रोनाउन फिल करोगे, व्हाट, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। ओके, तो बच्चों आपको मॉडल टेस्ट पेपर 2 की थर्ड एक्सरसाइज समझ आई। चलिए अब हम अपनी अगली फोर्थ नंबर की जो एक्सरसाइज है उसको देखते हैं। तो फोर्थ नंबर की जो एक्सरसाइज है वो क्या है, देखिए, मैच द फॉलोइंग वर्ड्स। आपको क्या करना है, यहाँ जो वर्ड्स दिए हैं आपको उनको मिलाना है। तो पहला है एक्टर, एक्टर का अगर आप जेंडर चेंज करोगे तो क्या होगा, एक्ट्रेस, तो एक्टर एक्ट्रेस, तो आपको एक्टर से किसको मिलाना है, एक्ट्रेस को, तो यहां पर आपको जो मेल जेंडर है उनको फीमेल जेंडर से मैच करना है। ओके, तो मैस्कुलिन जेंडर जो आपको यहां दिए हैं उनको आपको यहां फेमिनिन जेंडर दिए हैं उनसे आपको मैच करनी है। तो एक्टर एक्ट्रेस। अगला है नेप्यू, नेप्यू का क्या होता है बच्चों, नीज, ये आपको सामने दिख गया है ना। अगला क्या है, अंकल, अंकल का क्या होता है, आंट, अंकल आंट,
अगला देखिए, फोर्थ नंबर पर है हस्बैंड। हस्बैंड का क्या होता है? वाइफ। हस्बैंड को आप किससे मैच करोगे? वाइफ से। और हीरो को आप किससे मैच करोगे? हीरोइन से। हीरो हीरोइन। तो एक्टर को आप एक्ट्रेस से मैच करोगे, नेप्यू को आप नीज से मैच करोगे, अंकल को आप आंट से मैच करोगे, हस्बैंड को आप वाइफ से मैच करोगे, हीरो को आप हीरोइन से मैच करोगे। तो बच्चों, आपको मॉडल टेस्ट पेपर 2 की सभी एक्सरसाइजेस समझ आ गई। तो आज आपको होमवर्क में क्या करना है? आज आपको इंग्लिश ग्रामर के मॉडल टेस्ट पेपर 2 की सभी एक्सरसाइज अपनी इंग्लिश ग्रामर की पेयर नोटबुक में लिखनी है। कैसी राइटिंग में? साफ और सुंदर राइटिंग में। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। चलिए, गुड बाय।